च्या लेक्चर मध्ये हे शिकवलं मी अँग्युलर मोमेंटम काय असतं. कुठलीही गोष्ट जर फिरत असेल तर त्याच्यामध्ये अँग्युलर मोमेंटम बिल्ड झालं असतं. मोमेंटम बेसिकली मास इंटू वेलॉसिटी असते, ते अँग्युलर असल्यामुळे अँग्युलर मोमेंटमला एल म्हणतात. त्याचं रिलेशन असतं रेडियस इंटू लिनियर मोमेंटम, कळलं? लिनियर मोमेंटम पी असतं, म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला येतो यम व्ही आर, कळलं? यम व्ही म्हणजे लिनियर मोमेंटम आणि हे त्याला इंटू रेडियस करा, तुम्हाला अँग्युलर मोमेंटम भेटून जाईल. ठीक आहे. मग आता अँग्युलर मोमेंटम जे काय असतं कुठल्याही इलेक्ट्रॉन मध्ये ऑर्बिट मध्ये फिरताना, ते अँग्युलर मोमेंटम किती असतं हे बोर्स म्हणतो, हे एन टाइम्स ऑफ दी एच बाय टू पाय असतं. एन टाइम्स ऑफ दी एच बाय टू पाय, एन टाइम्स ऑफ दी एच बाय टू पायला आपण इंग्लिश म्हणजे त्याच्या स्टेटमेंट मध्ये काय लिहू, इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच बाय टू पाय, काय लिहिणार त्याला इंटिग्रल मल्टिपल. मग त्याचं स्टेटमेंट असते बोर्सचं, काय स्टेटमेंट आहे त्याचं, फर्स्ट पॉस्टुलेट काय आहे की अँग्युलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्विंग इन ऑर्बिट इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच बाय टू पाय, कळलं? इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच बाय टू पाय असतं अँग्युलर मोमेंटम, ठीक आहे ना? मग हे स्टेटमेंट जसं लिहिलंय ना तसं शब्दात लिहायचं असतो. याच्यामध्ये एच म्हणजे प्लँक कॉन्स्टंट असतो, त्या प्लँक कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फिक्स असते, 6.625 × 10⁻²⁴ जूल सेकंड. ठीक आहे, बॅट करून घ्यायची. एन मतलब नंबर ऑफ शेल भी होता ना, हाँ नंबर ऑफ शेल्स ही होते, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो नंबर ऑफ शेल ही रहते हैं. नंबर ऑफ शेल्स की कौन सी इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो नंबर. तो कौन सी शेल में घूम रहा है वो आएगा ना. अच्छा एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो थर्ड शेल में घूम रहा है तो थर्ड आएगा. हाँ, क्योंकि जो इलेक्ट जो ऑर्बिट में वो घूमेगा उतना उसका मोमेंटम रहेगा. मोमेंटम में डिफरेंस आता है रेडियस के हिसाब से. रेडियस कम ज्यादा हो जाएगी तो मोमेंटम अपने आप कम जाता है. जो ऑर्बिट में रहता है वो ऑर्बिट का नंबर लेना पड़ता है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल क्वांटम. हाँ, ये एन को, एन को जो बोला जाता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर, ये नंबर बोला तो ये एन की वैल्यू बात कर रहे हो, ये एन वाली. बोर्स मॉडल में, बोर्स के पोस्टुलेट में एच बाय टू टाइम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं. आवाज क्लियर है ऑनलाइन? हो चलो आता पुढे बघा. खूपच स्लो आहे. आता बघा हे त्यांनी इथं काय दाखवलंय, हे अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला लिहिला त्याने, एम व्ही आर इज इक्वल टू एन एच टाइम्स ऑफ दी टू पाय असणार, बरोबर? मग त्यातनं त्याला आता बऱ्याचशा व्हॅल्यू भेटतात, त्याला वेलॉसिटीची व्हॅल्यू भेटते, रेडियसची व्हॅल्यू भेटते, त्याला कशाची व्हॅल्यू भेटू शकते याच्यात काही काढू शकतो. मग याच्यामध्ये एक एका गोष्टीचं एक्सप्लेनेशन दिलं त्यांनी की कशाला काय म्हणतात, हे व्हिडिओ नीट बघा. हे म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनचं मास. व्ही म्हणजे इलेक्ट्रॉनची वेलॉसिटी ऑर्बिट मधली, ज्या ऑर्बिट मध्ये तो फिरतोय. आर म्हणजे त्या ऑर्बिटची रेडियस. एच म्हणजे प्लँक कॉन्स्टंट. एन म्हणजे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. टू पायची तर व्हॅल्यू फिक्स असते, पायची व्हॅल्यू असते 22/7 3.14 घ्यायचे, टू घ्यायचं, पाय पाय मध्येच काढायचं, व्हॅल्यू टाकायची नाही पायची, कळलं? मग या फॉर्म्युलेमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला? फर्स्ट पोस्टुलेटच्या एल असतं, एम व्ही आर म्हणजे एल ची व्हॅल्यू असते, अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम व्ही आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाय, फर्स्ट पोस्टुलेट. ठीक आहे, पी लिनियर मोमेंटम असतं, लिनियर आणि अँग्युलर मध्ये फरक असतो. लिनियर म्हणजे काय, तो सरळ सरळ जात असेल तर लिनियर मोमेंटमचा संबंध आहे. पण जर इथं सरळ काही मोशन नाही आहे, हा ऑर्बिट मध्ये फिरतोय असा, तो कुठली मोशन परफॉर्म करतोय, सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन आलं की मग अँग्युलर मोमेंटम घ्यावं लागतं, ना की लिनियर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम वरूनच अँग्युलर मोमेंटम काढता येतो, त्याचे काही वेगळे फॉर्म्युले नाही आहे. त्याचा फॉर्म्युला काय असतो, अँग्युलर जे मोमेंटम असतं त्याला फक्त तुम्ही, त्याला जर काढायचं असेल तर लिनियर मोमेंटमला फक्त तुम्ही रेडियसनी काय करा, मल्टिप्लाय करा, तुम्हाला अँग्युलर मोमेंटम भेटून जाईल, कळलं? मग हे फर्स्ट पॉस्टुलेट तुमचं लर्नच असलं पाहिजे, याच्यावर प्रश्न येणार, विचारला पण जाईल, न्युमेरिकल पण बनतील. आता बघा याच बोर्सच्या पॉस्टुलेट मध्ये हा असं म्हणतोय की इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मध्ये फिरतात, तर याच बोर्सनी, बोर्सचं सर्वात महत्वाचं काम काय माहिती का, बोर्सने सर्वात महत्वाची गोष्ट दिली, त्या ऑर्बिट मध्ये तो इलेक्ट्रॉन जर फिरत असेल त्याची व्हेलॉसिटी किती असणार, त्या ऑर्बिटची रेडियस किती असणार, त्या ऑर्बिट मध्ये किती एनर्जी असणार, या गोष्टी त्यांनी काढल्या, कळलं का?
म्हणजे त्या ऑर्बिटमध्ये तो इलेक्ट्रॉन फिरतोय, तर तो ज्या ऑर्बिटमध्ये असेल त्या ऑर्बिटमध्ये त्याच्याकडे किती एनर्जी असणार हे काढण्याचं काम पॉस्लेट बोर्सने केलं. हायड्रोजन के लिए कि हेलियम के लिए? हायड्रोजन के लिए बेसिक है क्योंकि वो एक है ना, हर एक के लिए निकालते आता है, लेकिन फिलहाल तो तुम्हें हाइड्रोजन का स्टडी, समझे क्या? अभी अभी जो तुम्हारा अभी 12th में है तो वो हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो बहुत फंडामेंटल टाइप का एलिमेंट है. उससे आगे चले जाएंगे तो फिर और दूसरी चीजें भी आ जाती है. तो फिलहाल के लिए अभी हमें बोर्स क्या निकालेगा, बेसिकली बोर्स निकालेगा वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसका एनर्जी कितना होगा, समझा? एनर्जी. और फिर वो मैंने बोला भी था तुम्हें, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाता है, बोला था ना पिछले टाइम, अगर वो यहाँ पे घूम रहा है तो कुछ देर के बाद इधर से निकल जाता है अपने आप, जंप कर देता है इलेक्ट्रॉन्स. तो ये केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं ऑर्बिट को शफल करना. तो जब कोई भी एटम या कोई भी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, तो ऐसा करने के लिए वो एनर्जी एक तो छोड़ता है नहीं तो एक्सेप्ट करता है. ये पानी की तरह है, जैसे पानी है वाटर, बराबर है कि नहीं? तो वाटर को अगर तुम स्टीम बनाओगे तो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाके अटक जाता है, 100 के ऊपर जाता नहीं कभी. लेकिन फिर अगर तुम हीट दे रहे हो तो 100 के ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो, हीट तो दे ही रहे ना तुम. तो वो स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी को यूज कर रहा है. किसके लिए यूज कर रहा है? वो पानी से लेके किस में आ रहा है, गैस में आ रहा है ना. तो वो जो ट्रांजिशन है लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में जाने के लिए, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है. उसका हिसाब नहीं लगता तुम्हें, उसको तुम लैटेंट हीट बोलते. लैटेंट हीट मतलब लपी हुई, छुपी हुई. लैटेंट का मतलब होता है छुपा, हिडन. तो हिडन हीट वैसे हर जगह पे है. अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो एक्चुअल में उसके नेचर को ही चेंज करने का ट्राई करता है, क्योंकि तुम उसका नेचर बनाती हो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से. अब जैसे तुम बोलते हो कि ये हाइड्रोजन एटम है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, बराबर है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट को दूसरा कोई ऑर्बिट है समझो, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है समझो, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका समझो, लाइक दैट, ठीक है, ऐसे. और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर के ऑर्बिट में एक घूम रहा था, तो अब ना इसके पास देखो ये पूरा मिला के 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है? ऐसे स्ट्रक्चर रहता है ना एटम का, पहले 2 फिर 8 फिर 8 ऐसे. तो अब ये बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अकेला घूम रहा है समझो बाहर, लेकिन उसकी वो थर्ड ऑर्बिट में था. कभी कभार क्या होता है, ये ऑर्बिट को छोड़ के नीचे वाले ऑर्बिट में जंप कर जाता है. तो फिर अभी उसका नॉमेनक्लेचर ही चेंज हो गया क्योंकि उसका एक ऑर्बिट खत्म हो गया. तो फिर उस एलिमेंट को जो भी नाम था तुम उसको वही बोलोगे क्या? उसने चेंज कर दिया ना उसके नेम को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया उसने जंपिंग करके. तो ऐसा करने के लिए वो बहुत सारी एनर्जी को बाहर छोड़ देता है. क्यों छोड़ देता है पता है क्या? क्योंकि उस जितना ऑर्बिट का नंबर ज्यादा रहता है उतनी उसमें एनर्जी भी ज्यादा रहती है. छोड़ देता है ना, फिर कम एनर्जी लेके नीचे का ऑर्बिट में आ जाएगा, इमिट कर देता है, बाहर छोड़ देता है. उसको रेडिएशन बोलते. तो क्या बोलते हैं, रेडिएशन छूटते ना. तो ऐसे जो बहुत ज्यादा हेवी न्यूक्लियस रहते हैं, हेवी मतलब जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, इस टाइप के, उनके मास बहुत ज्यादा है, तो वो मास को वो सस्टेन नहीं कर पाते. तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करते, वो इतनी सारी एनर्जी को बाहर रिलीज करके नीचे के ऑर्बिट में जंप कर जाते, तो उसके मास को कम करते हो, समझे क्या? तो मास कम करने का तरीका क्या है फिर उसका? तो फिर यहां से आइंस्टाइन का रिलेशन तुम्हें पता चलता था. आइंस्टाइन बहुत जीनियस क्यों, तो उसने रिलेशन दे बोला, देखो वो क्या कर रहा है, खुद के मास को कम कर रहा है, बराबर है? तो मास कैसे कम कर रहा है वो, क्या बाहर छोड़ के, एनर्जी. हाँ, तो फिर आइंस्टाइन बोलता है कि E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एनर्जी ही मास होता है और मास ही एनर्जी होता है. लाइट की स्पीड से जाता है, रेडिएशन के बाहर निकलता है, रेडिएशन से निकलता है इसलिए लाइट की स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलता है ना मास. तो मास लाइट की स्पीड से निकलता है. हाँ, तो मास अगर लाइट की स्पीड से बाहर निकल जाए तो वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है. तो ये वही हो रहा है ना इधर, ये क्या था, इसके पास बहुत हेवी मास था, उसको उसका मास कम करने का है. तो मास कम करने के लिए वो क्या कर रहा है, लाइट की स्पीड से मास को बाहर अगर छोड़ देगा, या उस इस लाइट की स्पीड से अगर छोड़ेगा मास को बाहर, तो वो अपने आप एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है. तो आइंस्टाइन ने फिर यहाँ से बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला ये, कि मास ही एनर्जी होता है और एनर्जी ही मास होता है. दुनिया में सारी जगह पे सिर्फ दो ही चीज है, एक तो एनर्जी है, नहीं तो मास है. तुम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट
कर सकते हो, समझे क्या? इसलिए इस रिलेशन को बहुत मतलब सबसे बेटर रिलेशन माना जाता है दुनिया का। अरे इसलिए क्योंकि ये सारे चीजों का आंसर बताता है तुम्हें, मतलब कोई भी चीज लेके आ दो दुनिया में, तो ये वही पे बात कर रहा है कि ये नीचे आके मास कम कर रहा है उसका, तो मास कम कर रहा है तो वो बाकी जो मास था वो गया गया पे। अंदर। अरे इसके पास समझो 100 था, तो हाँ उसने उसको कम किया दिया 90 कर दिया, तो बीच में 10 का गैप मिला ना, हाँ तो 10 गया कहाँ पे? मास कैसे छोड़ी गई, एनर्जी छोड़ रहे तो ना, आप अभी तो बोला मैंने एनर्जी छोड़ रहा ना, मास थोड़ी छोड़ रहा। क्या यार। अरे मास उसके पास 100 था, अभी वो 90 हो गया, तो उसने वो मास जो था 10 10 kg कुछ जो भी होगा, ग्राम वगैरह कुछ भी, हाँ वो उसने छोड़ दिया ना कहीं पे, तो भी वो किस फॉर्म में छोड़ा? एनर्जी। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोलता है आइंस्टीन, वही बोल रहा है आइंस्टीन कि मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टैक। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कॉन्स्टेंट नहीं है। हाँ वो ऑर्बिट चेंज करेगा तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, अगर एक ही ऑर्बिट पे घूम रहा है तो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन का एक ही मास क्यों लेते हैं, हाँ एक ही मास क्यों लेते हैं, मतलब उसकी मास की वैल्यू है ना, हाँ एक ही वैल्यू है ना हाँ हर शेल के लिए, तो हाँ फिर एनर्जी एनर्जी डिपेंड करता है, जैसे मास की जो वैल्यू है वही उतनी यहाँ पे थी, उतनी भी यहाँ पे ही रहेगी, अगर तुम इन दोनों को प्लस कर दो, जो एनर्जी तुमने छोड़ दी ना उसको तुम काउंट में ले रहे हो क्या? तो उसको भी लो ना फिर, तो फिर मिला के कितना हो जाएगा? वही वही हो जाएगा ना, तो एनर्जी और मास रिलेशन ये रही वही रहता है ना। मास तुम अगर एक जगह पे तुमने गड्ढा किया तो दूसरी जगह पे तुमने बड़ा कर दिया होगा, एक जगह पे गड्ढा किया मत मिट्टी निकाली कहीं ना कहीं जाकर तो उसको रखा होगा ना तुमने, तो वहां पे क्या हो गया वो? हेलो हाँ ओ ठीक है ना, बहुत अंतर। तो सीधी सी बात है ना, एक जगह पे तुम गड्ढा बना रहे हो, यहां से मिट्टी निकाली तुमने, तो ये मिट्टी को क्या करोगे तुम, खा जाओगे क्या, गायब कर दोगे उसको? दुनिया में कोई मास कभी गायब नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे सफल होगा, तुम इकट्ठा करके लाओ टोटल मिला के वही बनेगा, तुम ये मिट्टी उठा के लेके जाओ दूसरी जगह पे, तो तुम डाल दो तो वो ऊपर आ जाएगा सरफेस लेवल से उतना जितना तुमने इकट्ठा किया था। तो मास कॉन्जर्व रहता है, एनर्जी भी कॉन्जर्व रहता है, ये दोनों इक्वल है इसलिए कॉन्जर्व रहते। तो आइंस्टाइन इसलिए बोला कि एनर्जी कॉन्जर्व है तो बेसिकली मास भी कॉन्जर्व होना चाहिए, और मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी ही मास में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे वो यूरेनियम-235 रेडिएशन क्यों देता है, या कोई भी रेडियम थोरियम रेडिएशन क्यों देते हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ पे हायर मास को थे, बहुत ज्यादा मास था उसके पास, अगर वो नीचे के ऑर्बिट में आने का ट्राई करेंगे तो वो बहुत सारी एनर्जी को क्या कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे, इमिट कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, और एनर्जी उसके पास आई कहाँ से, जो मास वो कम कर रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके बाहर छोड़ रहा है। तो वो मास किसके साथ अंदर आया था, तो अरे नहीं आ सकता ना अंदर, वो इसलिए तो छोड़ मास रहा है, एनर्जी में कैसे हो रहा है। तो वही तो बोल रहा हूं मैं, इसका बहुत बड़ा रिलेशन है ना, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये जाके देखो ना आप आइंस्टाइन ये का। हाँ हाँ लिंक तो कैसे हो फिर रहा है, कैसे तो कैसे हो रहा है इसका मतलब, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, दुनिया में कोई भी चीज कैसे होती है इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसे होता है इसका लॉजिक है। अब ये 4 बार हो गया रिपीट कम से कम, कि मैंने कितनी बार बोला तुम्हें कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं ना तो ये रिसर्च है, ये क्रिएट नहीं किया हमने कुछ भी, ये ऐसे होता है एक्चुअल में। या आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया कि मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी ही मास में कन्वर्ट होता है, अब क्यों होता है ये तो भगवान जाने, वैसे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है फिर तो। क्यों का आंसर हमारे पास ज्यादा होता नहीं है, हम बस ये सोच सकते हैं कि ऐसे हो रहा है तो इसको यूज कैसे करेंगे। तो ये नीचे के ऑर्बिट में जब आता है ना तो उसका मास कम ही होना चाहिए, वो नीचे के ऑर्बिट में हाई बहुत ज्यादा बड़ा मास लेके नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऑर्बिट की एक रेंज है, वो रेंज के बाद नहीं चलता उसको, तो अगर उसको नीचे के ऑर्बिट में लाना होगा तो उसको उसका मास को छोड़ के आना होगा उधर, और मास कैसे छोड़ के आएगा, वो एनर्जी एनर्जी छोड़ के आएगा। हाँ तो जितना अगर समझो इसके पास समझो 100 ग्राम मास था और नीचे के ऑर्बिट में उसको 90 ग्राम पे ही स्टेबल हो सकता है वो, तो 10 ग्राम का डिफरेंस आया ना, तो 10 ग्राम जितना मास होगा उतनी उसको एनर्जी बाहर एक्सट्रैक्ट करके ही आना पड़ेगा, तब तक नहीं आ सकता हो। और अगर उसे नीचे के ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में जंप करना होगा, जैसे अगर वो यहाँ पे है और उसको ऊपर के ऑर्बिट में जंप करना है, हायर ऑर्बिट में जाना है, तो अभी उसका मास क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, हालांकि उसके पास कितना मास है, सिर्फ
कितना मास है उसके पास? 90 है ना, तो अभी उसको मास क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा भारत, गेन करना पड़ेगा। तो गेन कैसे करेगा, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब एब्जॉर्ब करके गेन करेगा, तो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अपने मास को इंक्रीज करेगा और अपर ऑर्बिट में जाके बैठ जाएगा, एनर्जी वापस किस आती तो दूसरी जगह से लेगा ना फिर, है। समझे क्या? तो दो ही चीजें इसमें, अब ये बहुत बड़ा हो गया, या आइंस्टीन की रिलेशन से निकला हो, तो ये बोल रहा है कि अगर ऊपर के और हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, और लोअर ऑर्बिट में से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। अब क्यों करेगा, उसके पीछे रीजन है कि उसको मास इंक्रीज करना है या उसको मास डिक्रीज करना है, और मास और एनर्जी का क्या रिलेशन है, ये तो आइंस्टीन ने बताया था। अब कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ, तुमको पता कैसे चला कि ये सब होता है एटॉमिक लेवल पे? जैसे इसलिए तो जीनियस बोलते ना तुम उसको, है कि नहीं? जीनियस बोलते हो तो उन्होंने देखने वाले थोड़ी है वहां पे तो जाके। कोई नहीं, किसी ने देखा एटम को, इलेक्ट्रॉन को आज तक देखने वाला पहले ही नहीं हुआ, सारे लोग इमेजिन कर करके काम चला रहे, तो ऐसे नहीं भी तो हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ ना, एक्सपेरिमेंट करके देखा तो मास में डिफरेंस आता है, एनर्जी में डिफरेंस आता है, क्यों एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं होता? हाइड्रोजन कोलाइडर नहीं के तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन तो आइंस्टाइन के पास तो नहीं था। आ तो नहीं था तो वो इमेजिनेशन करता था ना, उस वक्त तो उसने ये भी बोला था कि ग्रेविटेशनल वेव निकलती है मास से, वो तो आप जाके प्रूव हुआ कर 2018 में, तो तब तो तुम बोलोगे फिर तो इसको कुछ नहीं पता, तो तब भी उसके कैसा रहता है, जो मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है, एक्चुअल में होगा नहीं वो, क्योंकि एक्चुअल में इतना स्मॉल है वो दिखता ही नहीं ना हो, लेकिन मैथमेटिकली तो आता है ना, तुम्हारी अगर एनर्जी कम ज्यादा हो रही है तो उस हिसाब से तुम्हारा रेडियस और वेलोसिटी और सारी चीजें भी तो कम ज्यादा होती है, तो तुम नहीं बोल सकते क्या कि वेलोसिटी कम हो रही है, रेडियस भी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो उस हिसाब से भी तुम्हारी एनर्जी में फर्क आता है, तो इसकी वजह से तुम्हारी इसमें चेंजेस आते हैं ना, मैथ्स यही तो बताता है, फिर जो चीजें हो रही है जो दिखती नहीं वो भी निकालता है मैथ्स, इसलिए मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वो कंक्लूजन निकलते मैथ्स से, तो तुम्हें ये रिलेवेंट लगना चाहिए ना कि मैथ्स ही क्यों पढ़ाते हैं, हमेशा वर्ड्स में लिखना था ना वाई मैथ्स, तो मैथ्स तुम्हें लॉजिक निकाल के देता है कि ये बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है, तो इससे कंक्लूजन निकलते हो और कंक्लूजन से फिर आउटपुट निकालते हो, और इसलिए उनको साइंटिस्ट बोलते हो, नॉर्मल लोगों को नहीं समझता हो, क्योंकि वो बहुत दिमाग लगाते हैं उधर कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है क्या होगा क्या होगा, उससे कंक्लूजन निकाल के पोस्टुलेट या रूल बनाएंगे, वो रूल को हम फॉलो करेंगे, ऐसा है। अब ये पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट का मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई वाली चीज, तो अब ये बोहर्स का पोस्टुलेट, ये प्लैंक का एक्चुअल में, लेकिन ये बोहर्स का भी माना जाता है, मतलब प्लैंक्स प्लैंक्स के बाद उसने उसमें इवोल्यूशन किया था थोड़ा सा, तो ये फोटोन में कितना एनर्जी होता है ये प्लैंक्स ने भी बताया था उस टाइम पे, तो एक फोटोन क्या होता है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल होती है इस तरह से, थोड़ा कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल होती है, तो जब वो हाई फ्रीक्वेंसी बंडल बना देती है, हाई फ्रीक्वेंसी बंडल मतलब एक ही जगह पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी इकट्ठा हो जाती और एक पैकेट बन जाता है, तो उसको फोटोन बोलते तो ठीक है, और ये फोटॉन बिहेव करते हैं लाइट के केस में पार्टिकल की तरह थोड़े थोड़े से, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनेगी तो पार्टिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बनता, लेकिन फोटॉन्स तो होता ही होता है, तो लाइट ट्रैवल करता है फोटॉन्स के फॉर्म में, मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही तो बिल्कुल सब जगह पे ऐसे बराबर बराबर चल रही है, ऐसा नहीं होता है, वो एक जगह पे बहुत ज्यादा एक जगह पे बहुत कम ऐसे चलती है, मतलब इधर बहुत इकट्ठा हो जाती फिर थोड़ी दूर चलती फिर इकट्ठा हो जाती फिर दूर चलती, तो ये जो इकट्ठा पैकेट्स बनते हैं ना ये पैकेट्स को फोटॉन बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी बंडल्स, हाँ ठीक है ना अभी? हाँ, तो ये फोटॉन जो होता है ना इसकी क्वालिटी रहती है, ये एनर्जी को कैरी करता है, इसलिए लाइट सन का लाइट आते आते हीट भी लेके आता है, हीट भी लेके आता है ना, नॉर्मल कुछ नहीं कोई नहीं लाता, सिर्फ लाइट ही लाता, ऐसा है कि वो हीट लेके आता है, हीट क्यों लेके आता है वो, क्योंकि वो बंडल्स और पैकेट्स के बंडल्स में एनर्जी को कैरी करता है, उसकी एबिलिटी हो पैकेट्स की फोटॉन्स की जो एनर्जी को कैरी कर सके, तो इसलिए हमारे पास सन की हीट आती है, हाँ फोटॉन खुद ही एनर्जी ना। तो वही तो है, वो एनर्जी को कैरी करने वाला सब्सटेंस है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो अभी ये बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कितनी होती है, तो एक फोटॉन में कितनी एनर्जी रहेगी, ये किसने निकाला, प्लैंक्स ने निकाला, और प्लैंक्स का उसने बोहर ने कंटिन्यू किया है, तो एक फोटॉन में कितनी एनर्जी रहता है, तो प्लैंक बोला था एक फोटॉन में एच न्यू इतना एनर्जी रहता है,
एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट। अभी मैंने बोला प्रोटॉन किस पे डिपेंड है, प्रोटॉन एक्चुअल में लाइट ही हो, बस हाई फ्रीक्वेंसी बंडल है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना प्रोटॉन बड़ा, न्यू फ्रीक्वेंसी है क्या वो? न्यू हाँ न्यू फ्रीक्वेंसी रहता है। तो ये बेसिकली ये क्या बोलता है, जो तुम्हारी फोटोन की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो, किस पे होगी, फ्रीक्वेंसी पे ना, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ, एक ही चीज है उसमें, कौन सी चीज, फ्रीक्वेंसी। अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाए, बहुत ज्यादा, तो उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा आ जाती है, हाई एनर्जेटिक हो जाता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है फिर। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालो तो उसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिर खुद का ही नाम देगा ना, वो बाहर साइंटिस्ट वही काम करता है, खुद का नाम दे देता है उसको। तो उसने E इज इक्वल टू एक प्लैंक कांस्टेंट इनटू न्यू डाला। मैंने बोला है तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए एक कांस्टेंट डालना जरूरी होता है, नहीं तो वो नहीं आता इक्वल टू में। तो फिर उसने निकाला कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो एच न्यू होता है, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को कोई कोई चैप्टर में एन बोलते, कोई कोई चैप्टर में न्यू बोलते, लेकिन न्यू सबसे बेटर है क्योंकि न्यू दूसरे किसी चीज का नाम नहीं है। फिर एन कैसा, नंबर ऑफ काउंटिंग के लिए भी यूज करते हैं, नेशनल नंबर के लिए भी यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है, न्यू बेटर है। तो एक फोटोन में एच न्यू इतनी एनर्जी होती है, इसमें कोई डाउट है क्या अभी? हाँ, और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या होगी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है उतनी उस फोटोन में एनर्जी रहती है, समझा वो डिफरेंस, तो उतना फोटोन लेके आता है। ये पोस्टुलेट आगे कंटिन्यू किया फिर इसने, किसने कंटिन्यू किया, बोर्स। अभी देखो समझ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, ये इनिशियल स्टेट एनर्जी और ये फाइनल स्टेट एनर्जी, वो फोटॉन कौन सी स्टेट में से कौन सी स्टेट में जा रहा है, वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वही उस फोटॉन में एनर्जी नहीं, समझा? स्टेट मतलब एनर्जी चेंज कैसे होती है? ऑर्बिट चेंज करेगा तो होगा ना, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, कैसे क्या जहां चेंज होती है लेकिन दोष करता है, फिर स्टेट चेंज करेगा तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी ये फॉर्मूला है तुम्हारा, इसको भी न्यूमेरिकल आते तुम्हारे, तो तुम्हें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स में एच न्यू इतनी एनर्जी रहती है और एनर्जी बोर्स के पोस्टुलेट के हिसाब से फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच में की जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी रहती है, वो जो गैप है वो फोटोन में एनर्जी रहता है। अब ये उसका डेरिवेशन है, देखो एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। अब बाकी के भी एटम्स के लिए रहता है, लेकिन अभी हम फिलहाल हाइड्रोजन एटम का स्टडी करेंगे और ट्वेल्थ में सिर्फ हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि रेडियस और एनर्जी निकालो हाइड्रोजन एटम का, एक्सप्रेशन निकाल के दो। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब समझा तुम्हें, ये पूरा डिराइव करके दे रहा है। अब हर किसी का डेरिवेशन रहता है, लेकिन हमें कोई काम का नहीं रहता है, वो बोर्ड में, बोर्ड में काम का रहता है, कॉम्पिटिटिव में कोई मतलब नहीं बनता उसका, बस फॉर्मूले लो, सिंप्लीफाई करो, क्या होता है वो समझो, अप्लाई करो, खत्म के साथ। फिलहाल मैं डेरिवेशन लूंगा, बस समझ लो देख देख के कि क्या चल रहा है, ठीक है। एक ऊपर से देखा तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं समझा तो छोड़ दो, फॉर्मूला लर्न करो, लेकिन लास्ट में रेडियस का, वेलोसिटी का, वो वाला। अभी ये बोल रहा है देखो, ये फर्स्ट पोस्टुलेट से निकाला उसने, कैसे फर्स्ट पोस्टुलेट से चालू किया, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता था उसका, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का, वो एंगुलर मोमेंटम एन टाइम्स ऑफ द एच बाय टू टाइम्स होता है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, एम वी आर की वैल्यू एन एच एच ऑन टू पाई हो गई, ठीक है। अब इसमें से अगर वो बोलेगा कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या उधर, नहीं ना, तो वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, है कि नहीं। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी कम रहेगा, सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में ज्यादा रहेगा, तो ऑर्बिट नंबर मैटर करता है कि नहीं करता है, पता है ना मीर धोपला उठे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारा ऑर्बिट नंबर होता है, तो मैंने यहाँ पे एन एन चिपका दिया, मतलब एन का मतलब क्या हो गया फिर, यंथ ऑर्बिट की वेलोसिटी, एंथ ऑर्बिट की रेडियस, और ये एंथ नंबर का ऑर्बिट, समझा? तो हाइड्रोजन तो एक ही रहता ना, वो सब बहुत सारे ऑर्बिट बनाता है वो, बहुत सारे हाँ उसमें भी रहते इनर ऑर्बिट रहते हो,
दो तीन तीन चार ऑर्बिट बनाता है वो, एक जगह से गायब होके दूसरी जगह पे निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, समझेगा तुम्हें? तुम वीडियो देखो एक बार बहुत डिटेल में जाके, तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन उसके खुद के ऑर्बिट को भी फॉलो नहीं करता। क्वांटम की रूल बहुत अलग है, तुम दुनिया में जो सोचते हो ना बाहर वो बहुत अलग है, क्वांटम का रूल बहुत अलग है, उसमें कोई रूल ही नहीं है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो। पहले से बहुत अलग है फिर। अरे हाँ तो पहले से बहुत अलग ही होगा पहले ना। बोले थे कि हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट रहता। तो मैं कितने बार बोला तुम्हें, क्वांटम में हमारे बाहर के रूल नहीं चलते, उसके अलग रूल होते हैं, वहां पे हर किसी को तुम कुछ भी प्रूव कर सकते हो, ऐसी बात होती है क्वांटम में। तो क्वांटम इसलिए बहुत डिफिकल्ट माना जाता है फिजिक्स में, और वो फ्यूचर वही है वो। तो फिलहाल तो तुम्हारे बहुत सारे ऑर्बिट में ये जम कर जाता है, मतलब क्या होता है, एक एटम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट में घूम रहा था, कुछ देर के बाद वो अचानक से यहाँ पे निकल जाता है ऐसे, अचानक से फिर कुछ देर के बाद यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है ऐसे, तो वो खुद के ऑर्बिट को फॉलो भी नहीं करता, वो एक ऑर्बिट में निकलता है, दूसरे ऑर्बिट से जंप करता है, दूसरे ऑर्बिट में अचानक से गायब हो जाता है, फिर तीसरे ऑर्बिट में निकलता है, ऐसे करता है एक्चुअल में। तो फिर ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो जाएंगे। ऑर्बिट्स के बीच में का डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है। हाँ एक एटम के लिए रहेगा, देखो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, ये पहला फॉर्मूला था फर्स्ट पोस्टुलेट का, इसने यहाँ से क्या निकाला, आरएन निकाला, आरएन का मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब यंथ ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, यंथ ऑर्बिट का मतलब अगर थर्ड ऑर्बिट बोला तो यंथ की वैल्यू कितनी डाल देगा, 3, तो उसका थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या रहेगा फिर, R3 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो चेंज नहीं होता, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स रहेगा, मास भी फिक्स रहेगा, लेकिन ये ऑर्बिट की संख्या चेंज हो जाएगी, ये वी एन की जगह पे वी थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर करना पड़ेगा, समझे? और ये फॉर्मूला निकाला कहाँ से मैंने, ये आर एन को बस रहने दिया, ये एम वी उधर जाके शिफ्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया उधर, तो डिवाइड हो गया ना, देखो ना ये नीचे आ गया, ठीक है नहीं? और ये जो तुम बोल रहे हो ये 4 पाई एप्सिलॉन, ये क्या आ गया, तो ये हमने वहां से निकाला था, ये एन की और एच की वैल्यू पुट अप किए उधर, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डाली थी 1/4 पाई वगैरह हो, और ये पिछले टाइम में निकाला था हमने रेडियस का फॉर्मूला, शायद इससे पहले वाले लेक्चर में, क्या सब फॉर्मूला? इससे पहले वाले लेक्चर में रेडियस का फॉर्मूला निकाला था हमने, ठीक हाँ है? वो रेडियस का फॉर्मूला यूज कर दिया उसने वहां पे, उसको रिलेशन बोल लो तुम, छोड़ो। अब ये आर्यन इतना है समझो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला है, ये लास्ट लास्ट लेक्चर में निकाला है, और फिर ये क्या करेगा, ये एमवी को तो पहले उधर शिफ्ट कर देगा, और ये आर एन की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ पे पुट कर देगा, समझा? तो आर एन की वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दी उसने, तो फिर यहाँ से उसको वी एन मिल जाएगा, देखो ये इसमें पूरा खत्म करने के बाद यहाँ पे भी एन एच था, यहाँ पे 2 पाई था, ये एमवी था, ये नीचे का एमवी था, यहाँ पे एक एम कैंसिल, एक एम कैंसिल, नहीं समझ रहा है क्या? देखो ये आर एन की जगह पे ये फॉर्मूला डाल दो, ठीक है? अब तो समझेगा आर एन की जगह पे क्या आ रहा है, वो फॉर्मूला ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी एन स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, और इज इक्वल टू ये एन एच अपॉन 2 पाई, यहां तक ठीक है? एक एम कैंसिल, एक वी एन था, एक वी एन ही कैंसिल होगा, एक वी एन बच जाएगा, तो बचेगा क्या है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी एन सिर्फ, बराबर है? ठीक है, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, देखो है कि नहीं सेम? कैसे किया, बस आर एन की वैल्यू को पुट करके कैंसिल कर दिया, उसके बाद में उसको चाहिए वी एन की वैल्यू, मतलब वेलोसिटी, यंथ ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो क्या करो वी एन को राइट साइड में शिफ्ट करो, बाकी सारी चीजें लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो अगर मैं वी एन को राइट में लेके आऊं तो यहाँ पे बचेगा क्या, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचा इधर ये एन एच आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये 2 पाई चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है देखो नीचे, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, कोई भी एन नंबर के ऑर्बिट में 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच इतनी वेलोसिटी होती है, ठीक है? ना हाँ आई वेंट टू समथिंग हाँ ते उड़ा टाका वाटल,
हे पाय पाय तुम्ही कॅन्सल करू शकता, इथं टू लिहू शकता, म्हणजे व्ही एन ची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू येते ई स्क्वेअर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन एच. ठीक आहे, मग हा तुम्हाला फॉर्म्युला लर्न असला पाहिजे, हा रेडियसचा फॉर्म्युला लर्न असला पाहिजे. हे दोन फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ पाहिजे, पाठ करून घ्यायचे. त्यांनी काय केलंय बघा, त्यांनी तो जो वरचा पॉस्टुलेट होता जो एम व्ही आर इज इक्वल टू एम आर एन आर एन आणि एन एच अपॉन टू पाय, हे पॉस्टुलेट होतं की नाही त्याचं फर्स्ट पॉस्टुलेट? या फर्स्ट पॉस्टुलेट मध्ये त्यांनी पहिले आर एन ची व्हॅल्यू टाकली होती, बरोबर ना? आता तो आर एन ची नाही टाकत, आता तो ते व्ही एन ची व्हॅल्यू जी काढली त्यांनी ती टाकतो ते व्ही एन च्या जागी, समजलं का? मग ते व्ही एन च्या जागी टाकलं की हे बघा दिसतंय का, व्ही एन च्या जागी आलेलं हे बघा एम व्ही एन आर एन एन एच अपॉन टू पाय, यातून तो आर एन ची व्हॅल्यू काढतो. परत दुसरी म्हणजे आर एन ची वेगळ्या पद्धतीने व्हॅल्यू निघते, एक व्ही एन मध्ये निघते एक बिना व्ही एन ची निघते. आता मागच्या वेळेस आर एन च्या व्हॅल्यू मध्ये व्ही एन होता म्हणजे वेलॉसिटी होती, पण जर तुम्हाला वेलॉसिटी दिली नसेल मग काय करणार तुम्ही? त्यावेळेस हा फॉर्म्युला आपण बिना बिना वेलॉसिटीचा आपण त्याच ऑर्बिटचे रेडियसचा फॉर्म्युला कसा काढला त्यांनी, त्याच्यामध्ये फक्त व्ही एन ची व्हॅल्यू घेऊन पुट करून दिले, बिना व्ही एन चा फॉर्म्युला भेटेल मग तो भेटतो एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेअर एच स्क्वेअर अपॉन पाय एम ई स्क्वेअर. आता याचा अर्थ असतो की हे जे आता कितव्या नंबरचा ऑर्बिट आहे, आता त्यांनी जर ए ए झिरो ऑर्बिट म्हटलं, ए झिरो म्हणजे काय, फर्स्ट ऑर्बिट बिलकुल स्टेबल, पहिलं झिरो ऑर्बिट म्हणजे ते बिलकुल ऑर्बिटच नाही तिथं, तर मग यांची व्हॅल्यू काय टाकली पाहिजे तुम्ही, म्हणजे घ्यायचीच नाही ना ती, बरोबर की नाही? मग तो कॉन्स्टंट नंबर येईल ना, तुम्ही ऑर्बिट नंबर जर काढून टाकला तर काय येईल, तो कॉन्स्टंट नंबर येईल बाकी सगळे. मग तुम्ही काय करा, यंत नंबरला सोडून द्या फक्त, बाकी सगळं जे येतं त्याला एओ म्हणतात, बोहर्स ऑर्बिट एओ. एओ म्हणजे काय, हा कॉन्स्टंट नंबर आहे, हा फक्त यांनी ऑर्बिट नंबरला मल्टिप्लाय केलं की काम होऊन जाईल, कळलं का? आणि याला इंटू यन यन स्क्वेअर केलं की तो रेडियस भेटून जाते, यन स्क्वेअर बाजूला घेतला त्यांनी. मग एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेअर अपॉन पाय एम ई चा स्क्वेअर हा कॉन्स्टंट नंबर असतो, त्याला फक्त ऑर्बिट नंबरनी मल्टिप्लाय करायचं असतं, मल्टिप्लाय करा स्क्वेअर ऑर्बिटनी तुम्हाला डायरेक्ट रेडियस भेटणार. आता हे काढून दाखवलंय त्याने की बाबा रेडियस जी ऑर्बिटची असते ती जनरली तुम्ही जर बघितलं तर हा हे जे पहिला हा जो कॉन्स्टंट नंबर आहे ना हा एन एन स्क्वेअर सोडून जे उरलं सगळे सगळ्या व्हॅल्यू फिक्स आहे. एप्सिलॉन नॉट ची व्हॅल्यू 8.85 इंटू 10^-12 असते, एच ची व्हॅल्यू 6.625 इंटू 10^-34 चा स्क्वेअर असते, म्हणजे स्क्वेअर दिल्यावर पाय ची व्हॅल्यू 3.14 आहे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू फिक्स आहे 9.1 × 10^-31 आणि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनची व्हॅल्यू 1.6 × 10^-19 चा होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. सगळे कॉन्स्टंट असल्या कारणाने हे एवढं पाठ करायची गरज आहे का आता? नाही, तो फिर ये कॉन्स्टंट ही आहे, और फिर ये कॉन्स्टंट की व्हॅल्यू किती आधी 0.52 नाही अप्रॉक्सिमेटली जर घ्यायचं तर 0.53 का एमस्ट्रॉंग, 29 आहे तर मग 330 कळला. तर मग हा जो तुम्हाला फक्त काय करायचंय, जेवढ्या नंबरचा ऑर्बिट आहे त्याचा स्क्वेअर करून फक्त त्याला मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे जर तुम्हाला कोणी सांगितलं की मला रेडियस काढून दाखवा, कोणच्या रेडियस काढून दाखवा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनचं पाहिजे पण, इलेक्ट्रॉनची रेडियस काढून दाखवा, चौथ्या नंबरची रेडियस काढून दाखवा, चौथ्या नंबरच्या ऑर्बिटची रेडियस, मग ती रेडियस कशी काढायची, तर हे घ्यायचं 0.529 आणि त्याला इंटू काय करायचं फक्त 4 स्क्वेअर, एन स्क्वेअर असतो ना फर्स्ट ऑर्बिट काय, पहिला भी नाही हो, पहिला भी नहीं है, पहले में तो वन आएगा ना, हाँ तो ये पहले ऑर्बिट, हाँ पहला आएगा एन का स्क्वायर वन आ जाएगा तो वन आ जाएगा, पहले ऑर्बिट की एनर्जी, पहले ऑर्बिट की रेडियस है वो, तो फिर अगर तुम्हें चौथे नंबर की ऑर्बिट की रेडियस चाहिए तो बस तुम एन स्क्वायर होता है ना, तो ये 4 का क्या कर दो, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जितने नंबर के ऑर्बिट की रेडियस चाहिए उतने नंबर के ऑर्बिट के नंबर को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसको 0.529 को बस तुम 16 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें चौथे नंबर के रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी.
समझे क्या? तो रेडियस का वो A0 × नंबर ऑफ मीटर ऑर्बिट का स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ A0 × नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, A0 की वैल्यू कितनी? 0.5। हाँ, तो ये जो है ना, ये होता है बोर्ड, और अभी जो मैंने बोला ये होता है कॉम्पिटिटिव। ये फर्क है इसमें, ये बोर्ड की वजह से वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, कॉम्पिटिटिव के लिए हम थोड़ा सा उसको सुधार करते हैं, मतलब इस चैप्टर फॉर्मूले बहुत अजीबो गरीब है इसके, थोड़ा सा अजीब फॉर्मूले होने की वजह से दिक्कतें आती है। टेन एमस्ट्रॉन्ग मतलब कितने मीटर डेज टू माइनस टेन, और 9 मीटर। 10⁻¹। तो देखो, अब ये हो गया हमारा रेडियस का किस्सा खत्म, किस्सा खत्म हो गया ना अभी रेडियस का। क्या करोगे तुम रेडियस निकालने के लिए? कौन से ऑर्बिट की रेडियस चाहिए? सेकंड ऑर्बिट की रेडियस चाहिए क्या? तो 0.529 ले लो, इंटू 2 का स्क्वायर कर लो, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आ जाए। कोई डाउट अभी? ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए काम करता है, अगर एलिमेंट चेंज तो किस्सा खत्म, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अब एनर्जी की बात चल रही है इधर, nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रहती? तो -E²/8πε₀₀Rn इतनी एनर्जी रहती है nth ऑर्बिट में। ये भी फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले टाइम, वो डायरेक्ट ले लिया उसने इधर, ठीक है, इसको इक्वेशन दे दिया उसको सेवन, क्योंकि वो डायरेक्ट लिया है। तो nth ऑर्बिट में En इतनी एनर्जी रहती है, और वो रहती E²/8πε₀₀Rn, Rn मतलब उतने नंबर के ऑर्बिट की रेडियस, माइनस माइनस इसलिए क्योंकि एनर्जी नेगेटिव रहता है, अट्रैक्टिव रहता है इसलिए। तो अब ये बहुत सारा डिराइव करके देगा, अब ये क्या करेगा, वो जो एनर्जी का फॉर्मूला था ना तुम्हारा, En का फॉर्मूला क्या था? -E²/8πε₀₀Rn ऐसा था ना, तो इसने क्या किया, आर एन की जगह पे हमने आर एन की वैल्यू निकाली थी पिछले टाइम पे, आर एन की वैल्यू निकाली थी ना, वो आर एन की वैल्यू लाके पटक दी उधर। तो ये पुट करने के बाद बहुत सिंप्लीफिकेशन होगा इसका, सिंप्लीफाई होते 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 ये आ जाएगा। करके दिखाओ क्या, नहीं वो नहीं पाई पाई कैंसिल, एम एम कैंसिल, ई कैंसिल, इस तरह की चीजें होंगी उधर। वो होने के बाद बचेगा -ME²/8n²h²/ε₀₀² ठीक है, तो ये तुम्हें रटता होना चाहिए फॉर्मूला, ये वाला एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यंथ ऑर्बिट इज इक्वल टू -मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का 4 / 10⁴।